महाशिवरात्रि के दिन सभी देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना में लगे थे। लाखों की संख्या में शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे थे। शिव बारात में भूत बैताल बनकर परम आनंदित हो रहे थे लोग। माता पार्वती और विवाह की झांकी निकाली जा रही थी। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय मंत्र से पूरा देश गुंजायमान था। और ऐसे ही माहौल में बिहार के हाजीपुर के पुलिस लाइन में भी शिवरात्रि का आयोजन किया गया था, लेकिन यहाँ पूजा के बाद पुलिस कर्मियों ने रंगारंग कार्यक्रम आयोजित की, जिसमें बाहर बालाओं ने खूब ठुमके लगाए, लेकिन यह ठुमका भारी पड़ गया। परिसीमन में रहते हुए इससे मैं एक शादी भी कहूंगा, एक गाना भी कहूंगा। आप लोग जोश नहीं ना आ रहा क्या? आप लोग इन लोग का जोश नहीं दिलवाइएगा। अरे पैसा का बरसात आ जाएगी यार, अगले बार इतना समय में इससे ज्यादा नहीं रहता था पैसा। हाजीपुर महाशिवरात्रि के मौके पर पुलिस लाइन में हुए बार बालाओं के डांस मामले को तिरहुत के आईजी ने गंभीरता से लेते हुए इस पर बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में कुल 11 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है। निलंबित किए गए पुलिस कर्मियों पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन, सरकारी निर्देशों का उल्लंघन, लाउड स्पीकर एक्ट सहित कई मामले में FIR दर्ज किया गया है। देर रात हो रहे इस डांस कार्यक्रम के दौरान किसी ने इसकी वीडियो बना ली और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस लाइन पहुंचकर सदर SDPO ने कार्यक्रम को बंद कराया। बार बालाओं के डांस का यह कार्यक्रम अति संवेदनशील जगह पर हो रहा था, जिसमें पुलिस लाइन के बाहर के भी लोग इस आयोजन में शामिल थे। शस्त्रागार के पास आयोजित इस कार्यक्रम से सुरक्षा में भी एक बड़ी लापरवाही की बात सामने निकल कर आई, जिसके बाद SP के निर्देश पर FIR दर्ज कराया। इस तरह पुलिस लाइन में ठुमके लगाने वाले पुलिस कर्मियों को, जो अपनी दबंगता के लिए जाने जाते हैं, भारी पड़ा।